हाय फ्रेंड, राधे राधे। मैं हूँ मंजू शर्मा, मंजू जी के टैलेंट हब से। फ्रेंड्स, मेरा मन किया कि आज मैं आपसे बातें करूं और अपने मन की जितनी भी शंकाएं मैं आपसे शेयर करूं, आप ही शायद उसका हल मुझे बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना परिचय दूं तो छोटा सा परिचय है। मेरा नाम मंजू शर्मा है और गाजियाबाद में रहती हूँ। बच्चे हैं मेरे, दो बेटी एक बेटा। दोनों बेटे की शादी कर दी है मैंने और बेटा अभी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं और हस्बैंड का अपना काम है। मैं भी ऑफिस जाती हूँ, लॉकडाउन है तो मार्च से तब से घर में ही है और घर में अभी भी घर में ही है। तो घर का जब ऑफिस जाती थी जब भी घर का काम नहीं करती थी और झाड़ू पोछे के लिए मेड लगाई हुई थी, अब तो वो भी नहीं, तो सारे काम मैं खुद ही करती हूँ। फ्रेंड्स, मुझे घर सजाने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा। मैं अफोर्ड नहीं कर पाती इतने महंगे पर्दे या इतनी महंगी महंगी आइटम्स, तो मैं जो है मैं उसी को एक नए ढंग में बनाना, मतलब बना के सजा के उसे देखना पसंद करती हूँ। और जब अच्छा लगता है तो सोचती हूँ कि कोई देखे तो उसको बोले कि हाँ वाकई अच्छा है। अब बोले कौन, घर वाले तो बोलते नहीं है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो जब तक हर लेडीज की बात है, जब तक कोई तारीफ ना करे, जब तक काम में मन ना लगे, मेरा भी नहीं लगता। तो सबसे पूछती हूँ कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कोई जवाब नहीं। घर वाले तो वैसे भी उनके लिए तो बीवी कुछ भी कर दे, घर की मुर्गी दाल बराबर है। कोई हेल्प नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई तारीफ नहीं करता, कोई मतलब ही नहीं है। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, थोड़ी सी तारीफ तो बनती है, कमेंट्स कर दिया करो। पूरा करते हैं, जब भी कमेंट्स कर दो थोड़ा सा प्रोत्साहित कर देते हो, हौसला बढ़ता है, अच्छा करेंगे। जो खराब लिखा है अगर तो आपको अच्छा नहीं लगा है, क्या चीज अच्छी नहीं लगी वो आप कमेंट्स करके बताओ, जिससे हमारा कंफ्यूजन दूर हो और हम एक अच्छी वीडियो बना सकें और एक अच्छी वीडियो अपलोड कर सकें, तो किसी को शिकायत ना रहे। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो देखती हूँ मैं, सोच समझ में नहीं आता कैसे बनाते हैं, एक घरेलू महिला कैसे समझ पाएगी ये सब। बट शौक है, मुझे बहुत शौक है हर चीज की जानकारी लेने का। तो सारी वीडियो चैनल देखती हूँ, जितने भी फ्रंट में आएंगे सब खोल के देख लेती हूँ, सबको सब्सक्राइब कर लेती हूँ, पर कोई मुझे पलट के नहीं करता सब्सक्राइब कि बंदी ने करा है सामने से, तो चलो हम उसे भी आगे बढ़ाने के लिए बता देते हैं, या अगर इसने ये सही नहीं किया है तो इसको बता देते हैं, कोई नहीं करता। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ कि इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ, थोड़ा मैं सोल्यूशन भी ले लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ऐसा क्या है जो कि हमारी वीडियो में पसंद नहीं आता है, प्लीज उसे कमेंट्स करें और मेरी हेल्प करें कि मुझे कैसे इसको ठीक करना है, और सुझाव दें, मुझे बताएं कि एक्चुअल में वीडियो कैसे बनती है, और जो बन चुकी है उसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, बस ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और एक और बात बताना चाहूंगी, ये जो चैनल मैंने शुरू किया यूट्यूब पर, ये मैंने अपने कीर्तन ग्रुप से शुरू किया। मेरा कीर्तन ग्रुप है राधे राधे ग्रुप, तो सबको बहुत शौक है गाने का, बजाने का, नाचने का, बहुत ज्यादा शौक है। तो सब कहते थे मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ, तो बनाता कोई नहीं। मुझे तो शुरू से ही थी कि मुझे जो भी कुछ है मुझे बस वीडियो बनाना है और फिर उसको तसल्ली से बैठ कर देखना है, फिर ग्रुप पे शेयर करना है। बहुत टाइम हो गया इसको करते, 10 साल हो गया मुझे ग्रुप पे शेयर करते करते, यानी इस जगह पर आए हुए 10 साल मुझे हो गया। तो ये सोच लीजिए कि 10 साल से मैं ये कर रही हूँ कि वीडियो बनाई और ग्रुप में डाली, वीडियो बनाई और ग्रुप में डाली। लोगों का कमेंट्स नहीं होता, लोग पसंद नहीं करते, फिर भी मैं करती हूँ। आई डोंट नो क्यों, कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है अपना गाना, अपना डांस, अपनी रिकॉर्डिंग देखना, जैसे मुझे लगता है ऐसे उन्हें भी लगता है। वो भी चाहते हैं कि मंजू हमारी बनाओ और हम देखेंगे, हमारे घर में सब कुछ होता है आपकी वजह से।
बस वो हौसला मुझे कहीं ना कहीं मिल गया और मैं इसे बना ले लेती हूँ। फिर मैंने मरने के बाद तो परिवार भी याद नहीं करता, कुछ दिन ही रोता है, उसके बाद कोई याद नहीं करता फ्रेंड्स। तो हमारे हुनर को कौन याद रखेगा। तो मैं चाहती थी कि जो भी हुनर आता है वो मैं इस वीडियो पे दिखाऊं और वीडियो में जिंदा रहूं, लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और जो मेरे अंदर हुनर है वो लोगों तक पहुंचाऊं। दैट्स ऑल, यही चाहती थी मैं। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बड़े बड़े यूट्यूबर से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती क्योंकि वो तो मैसेज खोल के भी नहीं देखते, पर जितने भी न्यू सब्सक्राइबर हैं और जितने भी मेरे ग्रुप्स में हैं और जितने भी मेरे यूट्यूब पर फ्रेंड्स हैं मैं सभी, और फेसबुक पर जो भी मुझे देखता है, प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। डेली मैं अपलोड करती हूँ वीडियो एक साल से और लगभग 650 के आसपास मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। और जैसे कि मेरा वीडियो का नाम है टैलेंट हब, तो उसी हिसाब से मैं जो है हर चीज उसमें डालती हूँ। मैं अलग अलग चीज की अलग अलग वीडियो नहीं बना सकती। लोगों का कहना है कि एक ही चैनल में सारी चीजें क्यों डाल रही हो। प्लीज सब्सक्राइब कर दें और मेरे जैसे जितने भी नए यूट्यूबर है सबको हेल्प करें और मेरी भी हेल्प करें प्लीज। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कमाने के लिए बना रही हूँ वो भूल जाएं ये चीजें कि कमाने के लिए कुछ नहीं होता, कमाने में बहुत ज्यादा टैलेंट की जरूरत होती है। एक से एक बड़े मिलियंस डॉलर वाले पड़े हुए हैं, वो कमाने के लिए आए हुए हैं। हम जैसे छोटे लोग कमाने के लिए नहीं हैं, हम तो सिर्फ एंटरटेनमेंट करते हैं और चाहते हैं बस हमें लोग पसंद करते हैं। थैंक यू, जो पसंद करते हैं उनके लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है हमें उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। भगवान उनको बहुत सारी तरक्की दे, उन्नति दे और हमें भी आगे बढ़ने की